धन्यवाद कर रहे हैं प्रशासन को कि कोई भी कानून हाथ में ले उसके ऊपर इस प्रकार से ही करना चाहिए। उनके तीन तीन चार चार करोड़ की हवेली पर ही हमला पथराव से कर दिया, कई लोग घायल हो गए उसमें, इसीलिए फिर हमारी जो है व्यस्तता बढ़ गई थी। हमें सब कुछ देखना है आने वाले समय में हिंदू मतलब आप लोग सुरक्षित कैसे रहो इसकी तैयारी करके ही हमको जाना है। भूपति राघव राजा हाथ उठा के ताली बजा के गाइए बोल। भूपति राघव राजा पतित पावन सीतारा हरि आ जाओ हरि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ मेरा बेड़ा पार लगा जाओ। जो नर बागेश्वर आता है वह सकल पदार्थ पाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है। क्या तुम भी संकट मुक्त होना चाहते हो? तुम भी बालाजी की कृपा पाना चाहते हो? तुम भी जिंदगी भर इनके चरणों में लौटना चाहते हो? तुम भी अपनी विपत्ति मिटाना चाहते हो? तो कहो हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम, बाबा शरण में लो हरी शरण में लो। मेरी जोगती नैया पार करो, अगर नैया को पार करना चाहते तो गाओ हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। ओ बेटा कोई ज्यादा गर्मी लगा तो पेंट और उतार, पेंट और उतार दे बेटा, उतार दे राजा क्या रहा बेटा, तो ही भर हाथ हुआ गर्मी लग रही, हम लोग तो इसी में है बैठे। हाँ बैठा दो एकांत में बैठा दो, नंगो पंगो बीच में ना खड़ा करो इनकी, नहीं तो हम नांगा बाबा बना देंगे। हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो, हमारे दरबार में शंकर जी जैसे गण प्रगति हो रहा, हम पर कृपा करो राम, हम पर बेटा हरो जो तुम छत पे ऊपर लटके हो तुम्हारी छतरी पर है नीचे आ, जो वहां ऊपर काम करने वाले हैं तुम इनके ऊपर सीमेंट फेंक के मारो, हमारी आज्ञा है, मारो हमारी आज्ञा है, मारो फेंक के मारो, मारो आज्ञा हलो हलो सर के हरो छतरी के बल, देखो तो बुढ़ापे में माता जी लो चढ़ी ऊपर। ओ जगत जननी भवानी, हे दुर्गा माता अष्ट भुजा रूपा नव चंडी कालका माता चंडी माता चामुंडा नीचे आ जा, बूटन जैसे मांगवे गिलाने चुनाव जैसे हाथ ना जोड़, भैया अभी बैठ, भैया आ जाओ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ,
सब लोग नीचे आ जाओ, कोई रिस्क मत लो, ऐसा मत करो, ये भूले मत करो, आ जाओ नीचे, आ जाओ आप लोग भी नीचे आ जाओ, ऊपर वाले भी नीचे आ जाओ, रिस्क मत लो, ये गलती मत करो, कोई भी रिस्क नहीं ली जाती। बेटा रो छोटे छोटे बच्चों को बूढ़ों को भैया नीचे कर दो, कोई रिस्क मत लो। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, नमः पार्वती पते। अंत तो गत्वा हम 9 बजे आ गए, कल का पूरा दिन बड़ा अति व्यस्ततम दिन था। प्रातः काल दरबार लगाया, धूप बहुत थी, यहाँ भीड़ बढ़ गई, लोग चपलने जैसे लगे, सो अंदर चले गए। अंदर जाकर 1500 लोगों को कल हनुमान जी की साधना की दीक्षा दी गई है। 1500 साधक कल बनाए गए। इसके बाद में रात को 8 बजे दीक्षा से फ्री भय, 9 बजे कल भोजन मिला रात को। पूरे दिन में हमारा नियम रहता, जब तक दीक्षा ना हो जाए तब तक हम भोजन नहीं पाते। कल दिन भर में पूरे रात को भोजन मिले 9 बजे। 10:30 बजे फिर बैठ गए, तो ऊर्जा संचय समागम के साधक और गंभीर मरीजों को देखते देखते कब 3 बज गए सुबह के पता नहीं लगा। ऐसी रात कल की गुजरी, बड़ा अति व्यस्ततम दिन था, इसलिए आज का दरबार थोड़ा विलंब से हो गया। अब लेकिन बालाजी का स्मरण करके हम दरबार प्रारंभ कर रहे हैं। कल और आज 2 दिवसीय दरबार है। कल का दरबार भी शेष है, लगभग बैठ जाओ, मोबाइल जैसे वाइब्रेशन मोड में नया, बैठ जाओ, तो मांगे आवे के लाने छड़ छंद कर रहे हैं। इन बदमाशों से तो हम हैरान हैं। देख रहे तुम तमाशे। एक बार हम गए मैयर, लंबी लाइन नीचे से, मैयर कौन कौन गया, गया तो हाथ नीचे करो। हमारे मध्य प्रदेश में एक स्थान है मैहर माता का, सीढ़ियां हैं, तो नवरात्रि में गए, बहुत बच्चे ही थे हम, लेकिन बच्चे थे पर अच्छे थे, तो छोटे से बच्चे ही थे हम, होंगे वही कोई 13-14 साल के, 15 साल के। एक बार हम मैहर गए, ऐसी लंबी लाइन लगी थी, तो लोगों ने बताया कि शाम तक नंबर आएगा और रात तक उतर पाओगे। 8-9 घंटा लग रहे थे, 10 बजे सुबह लगी थी हम लाइन। एक माताजी हमारे आगे लगी थी, रही होगी कोई 38-40 साल, लोटा लिए आगे लगी थी माताजी, साड़ी पहने थी। उन्होंने लोटा तो रखा दुकान पे, हमारे आगे उनका नंबर था, हम भी खड़े थे लाइन में, लंबी लाइन। उनने जहां अपनो बाल चोटी को झूठो खोसो, हम समझ गए कि अब कुछ खतरा है, और उन्होंने बार एक मेरे से करे, अरे हमने कही जय माता की, हमारी ना जान ना पहचान, हमने पकड़ो हाथ, हम कहे भैया रास्ता दियो, भैया एक सींक जावे की रास्ता ना थी, 15 मिनट में हम लोग जो 8 घंटा की यात्रा थी ऊपर टंग गए। 15 मिनट में जहां वहां पहुंचे, सोने झटका दो हाथ, बोले छोड़ो, और उन्हें बार बार दिया, अरे हमकी तुम तो सही हो, गजब की माता हो तुम तो। हमने धीरे से जब बोली तुम अपने रास्ते जाओ, हमें अपने रास्ते जाने दो, तो हमने कहा माता जी और तो तब ठीक है, वापसी कितने बजे चलना है, ये अच्छी परफॉर्मेंस है, 8 घंटे का रास्ता 15 मिनट में आ गए, अब वापसी का और बताओ कितने बजे चलना है। और नाराज हो गए, बोले तुम अपने रास्ते जाओ, हमारे चक्कर में चलो। अब बड़ी थी, हम बच्चे ही थे, हम कह जी माता जो आ गया। उस दिन के बाद हम तुम्हारे जैसे लोगों को पहचानने लगे हैं।
बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, महादेश्वर दरबार की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। अभी तक का यह है लंबा दरबार, 15 दिन बाहर, 15 दिन धाम पर हम सुधर गए हैं। पहले बाहर ही बाहर ज्यादा रहते थे, लोग यहाँ पर किराया लगा कर आते थे, बेचारे मिल नहीं पाते थे, उन्हें भभूति तक नहीं मिल पाती थी। हमने अपनी जिंदगी में सुधार किया, अब हम 15 दिन बाहर रहते हैं पर 15 दिन धाम पर रहते हैं, ताकि कोई निराश ना जाए। तो अभी बाहर थे, अब हमने यहाँ पर अपना कोटा पूरा कर लिया। तो आगामी यात्रा के लिए हम जाएंगे, कल दरबार का अंतिम दिवस है, इसके बाद में 2 तारीख से 5 तारीख तक पुनः, और 18 सितंबर से 25 सितंबर तक पुनः लंबा दरबार लगाया जाएगा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 3-3 साल से आ रहे, 2-2 साल से आ रहे, हमारी मजबूरी है, हमें सबको टाइम देना है, धाम की व्यवस्था देखनी, साधकों को टाइम देना। अभी पदयात्रा की तैयारी कर रहे हैं, हम ही को सब जुटाना है, साधन जुटाना, परमिशन लेना, एकता के लिए संगठनों से बात करना, उनकी मीटिंग करना, सब कुछ हमको ही करना पड़ता है। तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना, हम कोशिश करते हैं कि अपने 24 घंटे में से 18 घंटे हम दे पाए। अब आगे को लोग हमारा भी वजन हमने कल नापो तो परसों 6 किलो घट गए। हाँ सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, 6 किलो चलो आगे को लोग, सही में। हाँ रात के हम देख रहे थे इतन की हमारी हड्डी दिखने लगी, कुछ दिन में ऐसे हो जाए जैसे हमको डायरिया हो गया। हाँ हाँ मतलब पेट खराब हो गया हो। तो लगातार हम कोशिश तो कर रहे हैं, पर थोड़ा तुम धैर्य रखो, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम तुम्हारी अर्जी लगवा करके ही मानेंगे। तो धैर्य तो रखना पड़ता, एक बात है, तुम्हें अगर धैर्य नहीं है, दरबार बहुत है पर धोखों के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और हम दरबार के खिलाफ, तुम सुनकर चौंकोगे कि आप तो दरबार लगाते हो, आप कहते खिलाफ, हम अपने भी खिलाफ। हमारा उद्देश्य दरबार लगाना नहीं है, हमारा उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर प्रभु को बनाना है, प्रभु का बनाना है, बालाजी का बनाना है। हमारा उद्देश्य है कि अपने दिया तुम खुद बनो, अपनी लालटेन तुम स्वयं जलाओ, ताकि दूसरे को ना जलाना पड़े। घर में टीवी खराब हो जाए, खुद का मैकेनिक रहेगा तो तुम्हें दुकानों पर टीवी नहीं ले जानी पड़ेगी। उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या आ जाए तो तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े। हनुमान जी की ऐसी साधना, ऐसा मंत्र और ऐसी विधि तुम्हारे जीवन में उतर जावे कि हनुमान जी की कृपा तुम पर घर बैठे ही हो जावे, बालाजी की तुम पर कृपा हो जावे, तुम्हारी अराय बनाए भग जावे। और मेरे पागलो, हम चाहते हैं तुम्हें पर्चा के चक्करों में ना पड़ना पड़े, बालाजी की चर्चा में ही तुम्हारा काम सफल हो जावे। मेरे पागलो, हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारा मजाक ना बने, हम चाहते हैं कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम पर खिल्ली ना उड़ाएं, हंसी ना उड़ाएं कि बड़ा भक्त बना फिरता था, बड़ा बाबा बाबा करता था, बड़ा दरबारों में भटकता था, क्या हाथ लगा। हम चाहते हैं कि तुम ऐसी कुंजी पा जाओ, तुम ऐसी मंत्र विधा पा जाओ, तुम ऐसा विधान पा जाओ कि तुम तो तुम, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी घर बैठ करके हनुमान जी की कृपा को पा करके समाधान पा जाए। हम चाहते इस भारत में आज तक तथाकथित धर्म गुरुओं ने, धर्म उपदेशों ने और जानकारों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को या तो भूत पकड़ाए हैं या फिर तुम लोगों ने मजहब छोड़ करके चादर चढ़ाए या कैंडलें जलाई है मस्जिदों में और चर्चों में जा करके। मेरे पागलो, हमारा उद्देश्य ठीक अलग है। हम तुम्हें चमत्कार दिखाने, धन तो तुमसे कमाते नहीं है, अपेक्षा तो कुछ है नहीं है, दिन ना रात कथाओं में जो भी हमें मिलता है
तो अन्नपूर्णा की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, जो दान पात्र में आता बेटियों की व्यवस्था। मेरे पागलों, हम तुमसे दान भी लेने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हारे दिल में हनुमान देने के लिए बैठे हैं। और आज तक तथाकथित धर्म गुरुओं ने भारत के भोले भाले लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। हाँ, सब्र लगेगा, धैर्य लगेगा, धर्म की परीक्षा धैर्य है, धैर्य रखना पड़ेगा, तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें खुद जगना पड़ेगा, तुम्हें हनुमान जी के चरणों से जुड़ना पड़ेगा। अगर तुम जुड़ जाओगे, मुड़ोगे नहीं, तो हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं कि जैसे हमने कृपा को पाया है और विदेशों में भी धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, तुम भी घर बैठ करके बालाजी की कृपा को पा सकते हो। वरना विचार करो, हम तुम्हारे मन की बात, बाप का नाम, तुम्हारे कांड, लुगाई के कांड बता भी दें, पर समस्या का समाधान ना हो तो क्या बताना किसी काम का है? जरा विचार कीजिए, जोर से बोलिए। आपकी मन की बात के हम 20 पर्चे बना दें, पर तुम्हारी समस्या का समाधान ना हो तो क्या बताना या पर्चा बनाना किसी काम का है? है? तो फिर काहे को चक्कर में पड़े? हमारा उद्देश्य बहुत डिफरेंट है। हम जब भी बैठते हैं सेवा में या साधना में, जो भी गुरु प्रसाद से हमको चेतना, कृपा या शक्ति मिली है, जिससे हमारा अंतर मन में संवाद होता है, जब भी हमारी बात होती है, तब हम एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी, हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, कोई चमत्कार दिखा पाए या ना दिखा पाए, पर जो दरबार में आए उसकी अगर समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और इस धाम का ऐसा महत्व है, इस धाम की ऐसी ऊर्जा है, इस धाम का ऐसा तपोबल है, कली काल में 3 जगहों पर बालाजी विराजमान है, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी। और आज तक का यहाँ का इतिहास है, 40 साल हमारे दादा गुरु ने यहाँ पर सेवा की, दरबार लगाया, लगभग 16 वर्ष की यात्रा हमारी होने वाली है, लाखों लोग नहीं करोड़ों लोगों को हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग यहाँ पर रोते हुए आए, जिन्होंने नियम किया, पेशी की, परहेज किया, बालाजी के चरणों को पकड़ा, उन्हें चमत्कार या पर्चा के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा, और बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जियां स्वीकार हो गई है और बालाजी की कृपा हो गई। हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, हम तुम्हें अंधविश्वास में नहीं धकेलना चाहते, वरना अन्य धर्म गुरुओं में और हमें कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए हम तुमसे कहेंगे तुम उठो और जागो, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, तुम अगर कुछ पाना चाहते हो तो सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ। कलिकाल में केवल हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान इनके चरणों में है। इसलिए आज के दरबार में जितने भी लोग, प्रियजन, परिवार जन आए हैं, हम तुम्हें एक बात बहुत गंभीरता पूर्वक कह दें, तुम ये मत मानना कि तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हारी हमारे गुरुजी तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसी कोई भी एक बात नहीं, उन्हें सबकी सुनाई देती है, उन्हें सबकी समस्या पता है, उनसे ज्यादा सामर्थ्यवान कौन होगा? और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही, ऐसे हनुमान जी के चरणों में आप बैठे हैं, नियम पालन शुरू करें, आप पूछेंगे कि हम कैसे बालाजी की कृपा को घर बैठे पा पाए, तो एक चित्र घर पे रखो बालाजी का, एक दीपक जलाओ सरसों के तेल का या घी का, 3 बीज मंत्र रोज बोलो, एक एक माला के, दोनों हाथ जोड़ो, ओ बागेश्वराय नमः, ओ हम हनुमते नमः, ओ सन्यासी देवाय नमः।
मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे। इन तीन बीज मंत्रों को आप प्रतिदिन घर पर बोलना प्रारंभ कर दो, एक एक माला, महीने में एक बार, दो महीने में भी एक बार, बागेश्वर धाम की, या छह महीने में एक बार, ज्यादा दूर रहते हो, छह महीने में एक बार मंगल या शनिवार की तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, पर्चा बने या ना बने पर काम सफल हो जाएगा। तुम्हारी बात हो या ना हो, अर्जी स्वीकार हो जाएगी, और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमिटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। मनीमन बालाजी को प्रणाम कर लो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है, जरा हाथ उठा। पक्का की कच्चा, जोश में कि होश में, दो चार दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए, पक्का पक्का पक्का, जाओ हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। अच्छा एक बात बताओ, हमारी तीन बातें मानोगे हैं? जोर से तो बोलो, मानोगे? चलो पहली मानना, आज से तुम हमारे चक्कर में ना पड़ना, ठीक है? हम तो मूर्ख नालायक आदमी हैं, पापी जीव हैं, गांव के गवार, अनपढ़ अंगूठा छाप, देसी आदमी हैं। तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो, हम जिनके चक्कर में पड़े ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। पर कोई नहीं है टक्कर में, काय में? हाँ, किसके चक्कर में पड़ो? दूसरी बात मानोगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी बात मानोगे? पूछो क्या, जोर से बोलो। जब भी उनके सामने जाया करो, कह दिया करो, तुम हमारे हो हम तुम्हारे। जाओ बिना पर्चा बने ही तुम्हारी जय जय हो जय। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। आओ आज का दरबार प्रारंभ करते हैं, जिन्हें बुलाया जाए उन्हें आना। दूसरी बात, कुछ आगे के लोग बीच बीच में खड़े हो जाते हैं, माता जी हैं, कोई भी बीच में खड़ा नहीं होगा, नहीं तो हम पीछे करवा देंगे, ये सुन लो अभी लड़ाई हो जाए। बिल्कुल नहीं बीच में खड़ा होना, नहीं तो हमें टोक देते हो तो हम फिर वो हो जाता ना, वाईफाई के सिग्नल गड़बड़ हो जाते भाई। अब कहीं का कहीं कुछ लिख जाएगा, सामने वाले को लगेगा बाबा उल्लू बना रहा है, और तुम बीच ही में कहते गुरुजी का एम्प्री फार्म आए का दो मशीन एक साथ चले हैं। गुरुजी भी तो आदमी है भैया, गुरुजी हम बख्श दो, आज हमारे हाथ में डंडा भी है, हाँ संभाल के रहना। ले ओ, एक जे भगवती घूम रहे हो, धन है देवी तुम्हें, गजब हो तुम तो, बूढ़े आदमन के ऊपर काया के रहते हैं भाई हैं? वो मुस्कुरा रही ऊपर से, गजब भूत है, स्माइल तो देखो, गजब भूत है। Thank you.
पटक बता रहा हूँ कि चार जगह है नहीं, तो पता तो है। ये कह रहे हैं आदमी।